I wanted to know कि idea आया कैसे आपके mind में कि pet food में ready to eat को develop किया जाए और इसको explore किया जाए. Basically is fresh food जिसको कि हम shelf life देते हैं up to 2 years without cold storage. When you give ready to eat food to your pet instead of dehydrated product, आपका pet vet के पास अपने doctor के पास जाना कम कर देता है. Welcome to All India Mukherd. So in last vlog, we got a chance to talk to Mr. Vivek, जिन्होंने हमें काफी चीजों के बारे में बताया, ready to eat की जो myths हैं, काफी चीजों के बारे में बताया. So continuing to that, अभी ये जो existing video है, this is specifically about pet foods. And today we have Miss Ritika with us. Hi. Hi, how are you? All well. So first of all, I was very curious to know, although like I'm not having pets and all, but I wanted to know कि idea आया कैसे आपके mind में कि pet food में ready to eat को develop किया जाए और इसको explore किया जाए. Right. Ready to eat जैसे आपने समझा होगा अभी it basically is fresh food जिसको कि हम shelf life देते हैं up to 2 years without cold storage. तो इसमें क्या है pets को भी our pets are just like our babies especially now that I am a pet parent. तो our babies our fur babies also need that food nutrition food लेकिन because of the इतना काम चल रहा होता है टाइम नहीं मिलता खाना बनाने का हमारे पास खुद के लिए टाइम नहीं है तो उस टाइम पे as a member of this particular company there was a client who came in कि हम फ्रेश फूड बनाते हैं अपने डॉग्स के लिए आप इसको रिटॉर्ट करेंगे ताकि शेल्फ लाइफ बने their purpose was to reach the world without cold storage that is one way of preserving right. That is when they started and we realized that actually क्या होता है when you give ready to eat food to your pet instead of dehydrated product आपका pet vet के पास अपने doctor के पास जाना कम कर देता है which was scientifically then proven that is when it started कि नहीं we should promote pet food for our pets also my next question would be कि is it really required like pet food as a ready to eat food because market में already इतने सारे ready to eat फूड्स आपको मिल जाएंगे किसी भी आप आउटलेट पे जाओगे आज के डेट में आपको कहीं ना कहीं एक छोटा सेक्शन दिख जाता है पेट फूड्स के लिए बट व्हाई रेडी टू ईट वाज रिक्वायर्ड बिकॉज़ ऑलरेडी लोगों को पेट फूड तो मिल ही रहा है तो जिसको लेना है वो वाला ले लेगा व्हाई ही प्रेफर रेडी टू ईट जो मार्केट में अवेलेबल है वो डिहाइड्रेटेड रेडी टू ईट फूड है कि आपने डिहाइड्रेटेड का मतलब वर्ड से निकाल सकते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम होता है डिहाइड्रेट करने में जब हम प्रोडक्ट को एज इट इज जो हम खाते हैं जो हमारे को न्यूट्रिशन लेवल मिलता है उस लेवल का फूड अगर हमें डॉग को देना है तो दैट इज वन वे रेडी टू ईट सो दैट हम जैसा बना रहे हैं जो खाना बना रहे हैं जो हमें डॉग को देना है फ्रॉम यू नो सर्टिफाइड फ्रॉम अ न्यूट्रिशनिस्ट हु स्पेशलाइजेस अपने पेट्स में उनको वही खाना देना है दैट इज वाई रेडी टू ईट And I also want you to educate people on this part because आज की डेट में क्या है I have friends over there who are having pets और बहुत सारे challenges हैं pets को लेके आज की डेट में health issues बहुत आने लग गए हैं pets को so ready to eat से वो कैसे resolve करते हैं हम तो आप उसके बारे में अगर थोड़ा बताओगे like it will be great health issues definitely आते हैं जैसे कि आपको एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशनल वैल्यू चाहिए है इन ऑर्डर टू फंक्शन एनी लिविंग बीइंग इजंट इट चाहे आप प्लांट्स उठाइए आप एनिमल्स उठाइए या ह्यूमन उठाइए हम हर तरीके का प्लांट्स के अलग तरीके का न्यूट्रिशनल वैल्यू चाहिए होता है एनिमल्स को ह्यूमंस को सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट एनिमल्स पर्टिकुलरली इन दिस कैटेगरी हमें उनको राइट न्यूट्रिशनिस्ट न्यूट्रिशन लेवल देना है वो कैसे दिया जाएगा जब हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे फ्रॉम अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट जो बताएंगे कि हाँ इस तरीके के पपी को या इस तरीके के अडल्ट डॉग को या सीनियर डॉग को ये अमाउंट ऑफ राइस ये अमाउंट ऑफ पम्पकिन ये अमाउंट ऑफ चिकन जाना चाहिए सो दैट द डॉग डज नॉट डॉग और एनी पेट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट डज नॉट हैव टू गो टू द वेट डॉक्टर नाउ एंड देन हेल्थ इश्यूज भी रिड्यूस होते हैं जब हम राइट फूड खाते हैं Isn't it? Right. हमको भी बोला जाता है कि यू शुड ईट राइट सो दैट आपको किस तरीके की बीमारी ना लगे एक्सरसाइज इज वन थिंग The same thing goes for our pets as well.
So just to summarize all this thing, I would like to specifically ask you what Victoria Cookwell Specialities Private Limited is doing. They are into pet food, they are into human ready to eat, या कुछ और भी आप कर रहे हो. So एक बार आप थोड़ा summarize कर दो, so that if anybody want to approach you, so like. So we are basically ready to eat food processors, whether it is for pets, whether it is for humans. हम स्पेशलाइज करते हैं कि हम आपके खाने को शेल्फ लाइफ दे सके विदाउट कोल्ड स्टोरेज. तो चाहे आप पेट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, चाहे आप ह्यूमन फूड केटरिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, आर डोर्स आर ओपन, यू कैन कम इन, यू कैन ब्रिंग इन योर फूड, या फिर आप यहाँ आकर के अपना खाना मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. हम आपके खाने को शेल्फ लाइफ देंगे एंड यू कैन रीच आउट टू द होल वर्ल्ड. आप इस कॉर्नर से इन सम अदर कॉर्नर बैठ के अपने टेस्ट का खाना खा सकते हैं. सो दैट इज व्हाई विक्टोरिया कुकवेल स्पेशलिटीज प्राइवेट. थैंक यू. आल्सो आई लाइक टू हाईलाइट कि इस पे जो ह्यूमन रेडी टू ईट फूड है, इस पे ऑलरेडी वी हैव मेड अ वीडियो जो कि ऑलरेडी आउट हो चुकी है. उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा. प्लीज हैव अ लुक इनटू इट. आई बटन पे आप चेक कर सकते हो, आपको वीडियो मिल जाएगी. So all right, ma'am, that's it from my side. And I would like to just tell you, it is wonderful working with the best booker I know. So please go ahead, like, comment, subscribe this channel, and all the best. Thank you. So guys, we were just about to wrap the video, but we came to know that the founder of Fresh for Paws is also available. He's the one who started getting ready to eat for pets. So we thought of like taking her feedback also. So first of all, I'd like to welcome you on our channel. सबसे important चीज़ पूछना चाहता था कि आप जैसे front end पे रहते हो, so आपको क्या challenges आए थे जिसकी वजह से like this clicked into your mind that we should get ready to eat food? So I have a family that is into food and food logistics and all. So I knew that you know getting into frozen food, हर रोज़ खाना बनाना, that's gonna be very tricky and you can't scale it up. So I read about it all, I researched about it, and that's how I landed here and finally started my work from here. And I feel it's a blessing for even the manufacturers, the retailers, vendors, pet parents, pets. It makes everybody's life very easy. Right. And how like it is impacting pets basically? Because pets के लिए बहुत सारी चीजें already हैं, but how this ready to eat is going to play as a differentiator and आपको जो चैलेंजेस आते हैं वो कैसे रिजॉल्व हो रहे हैं, किस तरह के चैलेंज आ रहे हैं, पहले तो आप वो स्पेसिफाई कर दो, देन प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व. सो सी वी नो द पेट इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय वेरी बिग बिग प्लेयर्स. क्रिएटिंग अ नीच इन दैट इज वेरी डिफिकल्ट, बट वी क्रिएटेड द अवेयरनेस, टोल्ड पीपल व्हाई इज रेडी टू ईट बेटर, व्हाई इज द फ्रेश फूड कांसेप्ट बेटर, हाउ इज इट बेनिफिशियल. सी वन द न्यूट्रिशनल वैल्यू स्टेज इन दैट. It's easy to, you know, किसी को गेस वर्क नहीं करना पड़ता, ना पेट पेरेंट होना, किसी को भी गेस वर्क नहीं करना पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं. देन उसके बाद रिटेलर्स के लिए इजी है कि शेल्फ स्टेबल है, वी हैव अ शेल्फ फॉर 2 इयर्स एंड मोर. तो इट्स वेरी इजी फॉर रिटेलर्स टू स्टोर इट, खराब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. एंड द बेस्ट इज यू नोबडी, एवरीबडी कैन सी व्हाट इज इनसाइड द फूड, नोबडी हैज टू गेस किसने ये डाला है, इसमें ये डाला है, देयर इज फुल ट्रांसपेरेंसी. सो नोबडी गेट्स food in a way, everybody knows what is there, and yeah, that's how it makes it very easy. All right, so this is it from my side. Thank you for your time.